हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट चिकन फ्राइड राइस, जो बिल्कुल बेसिक सामानों से साथ मैं बनाऊंगी और मुझे इसके लिए ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, कोई भी ऑयल जो आपकी पसंद का हो, जो आप रेगुलर खाते हो। और उसमें हम चिकन के कटे हुए क्यूब्स डालेंगे और चिकन को हमें फ्राई करना है। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें और इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। चिकन हमें इसी टाइम पे पूरा कुक कर लेना है, क्योंकि ये बाद में और नहीं पकेगा। जितना भी आप पका खाते हैं, ज़्यादा पका कम पका, इसी टाइम पे आप उसे अच्छे से कुक कर लें। देखिए अब हमारे चिकन का कलर कितना अच्छा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छे से इसे सारा ऑयल निकाल के हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमें इसे और कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पैन में बाकी का बचा हुआ ऑयल डाल के और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हमारी मिर्ची फ्राई हो गई है। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक भी ऐड कर देंगे और इसे भी हल्का 2 मिनट तक हम तेल में भून लेंगे, ताकि इसका एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमारे खाने में आ जाए। अब हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। सिर्फ प्याज के साथ ही मैं आज फ्राइड राइस बनाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि हर समय हमारे घर में शिमला मिर्च और गाजर अवेलेबल हो, और जब ना हो और हमारा मन करे फ्राइड राइस खाने का, तो हम सिर्फ प्याज के साथ भी बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अब हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस टाइम पे हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टीस्पून विनीगर ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें चिकन के फ्राई क्यूब्स डाल के ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर डाल देंगे 1/2 टीस्पून और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को पकाना नहीं है, हमने इसे पहले ही अच्छे से पका चुका है। अब हम इसमें अपने बने हुए पके हुए चावल को ऐड करेंगे। चावल हमारा वो भी अच्छे से कुक है, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन और चावल सब अच्छे से एक दूसरे में टेस्ट मिल जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा चिकन फ्राइड राइस। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और ये एकदम सिंपल में बना हुआ बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राइड राइस तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।